हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसवी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग गाइस? और आज हम किसी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। बीइंग अ डॉक्टर, मैं आपसे आज एक चीज़ को कंसल्ट करना चाहती हूँ। तो सभी लोग आ जाएं जल्दी जल्दी मेरी वीडियो देखने के लिए। और आप लोगों का इतना सपोर्ट और इतना प्यार मिल रहा है, थैंक यू सो मच गाइस, कि मुझे इन अंधेरों में भी अपना मतलब एक रास्ता मिल रहा है। तो आप सभी लोगों को थैंक्स कहना चाहती हूँ। और हमेशा आप लोग ऐसे ही प्यार और दुलार के साथ मेरे साथ बने रहें और हमेशा अपने आशीर्वाद मेरे चैनल और मेरी बेटी और मेरे लिए हमेशा बनाए रखें। तो चलिए गाइस, अब हम एक टॉपिक पे बात करते हैं, विटामिन डी थ्री। विटामिन डी थ्री की कमी से हमारे हेयर फॉल्स होते हैं, हमारे जॉइंट्स नी पेन होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। स्किन के रिलेटेड भी हमें प्रॉब्लम होती है, मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैंने अब इस चीज़ को मैंने एक टेस्ट करवाया है तो उसमें मुझे विटामिन डी थ्री की कमी है। यानी कि मैं धूप में नहीं रहती, सुबह की जो अर्ली मॉर्निंग धूप होती है उसमें नहीं जाती है, शाम की जो भीनी भीनी सी धूप रहती है अराउंड 4:30-5 बजे करीब, उसमें बैठना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मेरा बहुत हेयर लॉस हो रहा है, प्लस मेरी रफ़ स्किन हो रही है। तो मैंने सोचा कि चलो आज हंसी हंसी में मतलब हम लोगों ने चेकअप करवाया तो उसमें मुझे विटामिन डी थ्री की कमी आई है, तो उसके लिए काफ़ी सारी मेडिसिन मैं लूँगी। मैं तो ठीक कर लूँगी, लेकिन आप लोग भी इतना सारा पैसा खर्च करते हैं तो आप, मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी विटामिन डी थ्री का टेस्ट करवाएँ अपने अपने अस्पतालों में और हमेशा एक अर्ली मॉर्निंग उठें, सूर्य नमस्कार करें और सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। मैं सबसे कह तो रही हूँ, मैं भी नहीं उठती सुबह सुबह, तो मैं भी 7 बजे करीब उठती हूँ और फिर सुबह कुकू का लंच बनाते हुए घर के थोड़े बहुत काम करते हुए, अभी तो हाल फिलहाल मम्मी आई हुई है तो मम्मी थोड़ा हेल्प करवा देती है तो मुझे इतना ज़्यादा काम का बर्डन नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें मैनेज करके चलनी चाहिए। और दूसरा, डेली रूटीन में ज़्यादा नहीं तो आधे घंटे का वर्कआउट, ये बहुत ज़रूरी है और ये मैं आजकल कर रही हूँ। और मेडिटेशन, क्योंकि लाइफ में गाइस ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे मेरी प्रॉब्लम है वो सबके साथ प्रॉब्लम हो, लेकिन इतना मुझे पता है कि हर इंसान कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रहा है, कहीं ना कहीं उसकी ख्वाहिशें दम तोड़ रही हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं सबकी ज़िंदगी में। कोई आज की दुनिया में संपूर्ण रूप से खुश नहीं है और कहीं ना कहीं वो अपने चीज़ों के साथ समझौता कर रहा है, अपनी ज़िंदगी के साथ समझौता कर रहा है। तो मैं चाहती हूँ कोई भी यहाँ पे अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता ना करे, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सभी रिश्ते हैं और सभी रिश्ते हैं तभी सब सारी खुशियाँ हैं। तो आप लोगों से बस मैं यही दुआ करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में स्वस्थ हों और मस्त हों। और रही बात कुछ एक लोगों की है, मैं ज़्यादा लोगों पे ध्यान देती नहीं, अब तो इवन मैं किसी पे भी ध्यान नहीं देती। हाँ, जो बैड कमेंट्स होते हैं मैं उन्हें तुरंत डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे चैनल पे कोई भी नेगेटिविटी फैले। तो और रही बात, अब सुशील का भी कोई मैसेज नहीं आ रहा, कुछ नहीं आया क्योंकि मैंने उसके खिलाफ पुलिस एक्शन ले लिया है, मैंने उसके खिलाफ FIR लॉन्च करवा दी है, उसके और मेरे हस्बैंड के खिलाफ एक और FIR लॉन्च करवाई है। और मैं नहीं चाहती कि कोई भी यहाँ मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुँचाए या मेरी इज्जत पर उंगली उठाए। तो मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि देखो, सब लोग किसी न किसी की माँ और बहन बीवी हैं तो सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। मैं भी सबको रेस्पेक्ट देती हूँ, तो आप लोग भी मुझे जो मेरे अगेंस्ट हैं, ठीक है, अगेंस्ट रखिए, कोई बात नहीं। हर चीज़ ट्रोलिंग भी होती है लेकिन एक लिमिट में होती है। आप किसी, आप मेरे घर की कहानी नहीं जानते ना, कोई मेरी जगह आके बैठ के देख ले, अपने बच्चे को अकेले पाल के देख ले, कोई कसूर नहीं मेरा, फिर भी इतना सब कुछ षड्यंत्र किया गया मेरे और मेरे माँ बाप और मेरे मतलब फैमिली के खिलाफ, बहुत सारी चीज़ें। और इतना हमेशा याद रखिएगा, ये मेरे लिए ही नहीं है, ये बाकी सभी औरतों के लिए बात है, कोई भी औरत अपने घर को जानबूझ के नहीं तोड़ती, ठीक है। हर औरत चाहती है कि उसका पति और पति के घर का आंगन बना रहे उसके लिए सदैव, हमेशा वहाँ से उसे रेस्पेक्ट मिले,
यही चीज़ मैंने चाह के ये शादी करी थी। ठीक है, शादी एक अपना खुद का डिसीज़न होता है, अपने माँ बाप का डिसीज़न होता है। तो बहुत सारे लोग मैंने देखा यहाँ पे ये कहते कि इसी ने तोड़ा अपना घर, इसी ने ये किया। तो गाइस, आप को सिर्फ एक चीज़ कहती हूँ, भगवान न करे आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपको भी, इंसान बुरा या अच्छा नहीं होता, समय और बुरा या अच्छा होता है, उसकी पोजीशन बुरी या अच्छी होती है, इंसान सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जो उन पे समय चल रहा है ना, वो समय हमेशा हेर फेर करता है, कभी अच्छा आता है तो कभी बुरा आता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है, और हमेशा मेरी बेटी को आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिएगा, क्योंकि मेरी अकेले की बेटी नहीं है, ये सब आपने भी बेटी माना है उसको, और कुकू भी आप सब लोगों से बहुत प्यार करती है, वो हमेशा एक वीडियो टाइप में बनाती रहती है, हेलो गाइस कैसे हैं, वेलकम टू द मानसी व्लॉग, ऐसे करती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका ये स्टाइल। और आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं यहाँ पर, कि अब एक्चुअली क्या है ना, मैं अपना हॉस्पिटल नहीं बताती आप लोगों को, बहुत जल्द रिवील कराऊंगी इस बारे में भी। और जिन बच्चों को जन्म से ही क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप है, उन बच्चों का मैं ऑपरेशन करती हूँ, और जिन में बोलने तक की ताकत नहीं है, बहुत सारे लोगों को उनकी आवाज़ को वापस दिलाया है। मैं डेंटिस्ट ही नहीं, ये हमारे काम के अंतर्गत आता है, क्लेफ्ट पैलेट क्लेफ्ट लिप सब चीज़ें हमारे काम के अंतर्गत आती है। तो मेरे से भी एक सीनियर डॉक्टर है, उनके साथ मैं ये काम करती हूँ, तो जिसको भी कोई दिक्कत हो इस चीज़ में तो प्लीज़ कांटेक्ट करें, क्योंकि बच्चे जब रोते हैं ना, उनके माँ बाप रोते हैं तो बहुत बुरा लगता है। कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ है और वो सही भी हुए हैं हमारे हॉस्पिटल में। तो मैं सभी को आपको इनवाइट करना चाहूँगी जो भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कि और हमारे यहाँ ये सारा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। मैं ऐसे एक एनजीओ से रिलेटेड हूँ, यहाँ पे सारे इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। तो मैं इस चीज़ को जल्दी ही डॉक्टर साहब के साथ मिलकर रिवील करूँगी आपके लिए। और एक हमारे हिंदुस्तान में स्माइल डेंट करके एक क्या कहते हैं, योजना है, तो उसके अंतर्गत जो भी बच्चे ऐसे क्लेफ्ट पैलेट क्लेफ्ट लिप या स्पीचलेस जिंदगी जी रहे हैं, जिन्हें सुनाई नहीं देता, बोला नहीं जाता, गूंगे होते हैं जन्मजात, उनकी भी आवाज़ें वापस आती हैं, तो इस चीज़ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब का मैं आप लोगों को वो दे दूंगी एड्रेस, क्योंकि मेरा भी नहीं दे सकती, उन्होंने कह रखा है कि आप मेरा अपना नहीं दें तो कम से कम मेरा दे दें, तो उनका भी दूंगी आपको। वैसे वो उनका नाम, एक्चुअली उनके गांव का मुझे नाम याद नहीं है, गांव नहीं मतलब एक तरीके से सिटी है वो। सुन, डॉक्टर चंद्रशेखर कहाँ से आते हैं? हाँ, नदबई, नदबई में है, उनका खुद का भी हॉस्पिटल है, मैं उस हॉस्पिटल का आपको प्रोमो दूंगी और आप लोगों को बताऊंगी, वहीं पे वहाँ पे भी और मेरे हॉस्पिटल में भी, दोनों जगह ही ऑपरेशंस करते हैं हम। स्माइल डेंट का मेरे हॉस्पिटल में किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके हॉस्पिटल में वो शायद पेमेंट कराते हैं, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार ने बनाई हुई हैं और आप लोग उनसे अवगत नहीं हैं, कृपया करके अपने अपने गूगल पे अपने अपने राज्यों की जो भी आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं उनको सर्च करें, क्योंकि मुझे लगता है प्राइवेट हॉस्पिटल ठीक है अच्छे होते हैं, लेकिन हर किसी के पास पैसा नहीं होता कि प्राइवेट हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ होती हैं उन्हें अफोर्ड कर पाए। तो सरकारी में भी होता है, आपने देखा होगा सरकारी अस्पताल में जितनी भी डिलीवरी होती हैं वो नॉर्मल डिलीवरी होती हैं, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होती हैं वो डिलीवरी हमेशा ही ऑपरेशन एसी सेक्शंस के द्वारा बच्चों को पैदा करवाया जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। हालांकि मेरा तो सी सेक्शन के द्वारा हुआ था, क्योंकि मैं डिप्रेशन में चली गई थी उस टाइम बहुत ज़्यादा, तो मेरी जो कंडीशन थी वो बहुत टिपिकल कंडीशन थी, लेकिन मेरा ड्रीम यही था कि मैं अपने बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा पैदा करूं, क्योंकि जो बच्चे सी सेक्शन के द्वारा पैदा होते हैं उनकी इम्यूनिटी लेवल इतना हाई नहीं होता,
दूसरा मैं कोको को अपना दूध भी फीड नहीं करा पाई थी क्योंकि मेरे को टेंशन ही इतनी थी कि फीडिंग हो ही नहीं पा रही थी, मुझसे मेरा कुछ भी प्रोडक्शन नहीं निकला था, तो बहुत पेनफुल रही है मेरी ज़िंदगी। लेकिन गाइस आप लोगों का साथ रहेगा तो मुझे लगता है मैं इन चीज़ों से भी मैं निकल जाऊंगी। तो आप लोग हमेशा अपने प्यार को ऐसे ही मेरे साथ बना के रखें, ऐसे ही मेरे साथ चलते रहें, मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। और मेरे चैनल को जो लोग नए नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको बेल आइकन में मेरी जितनी भी वीडियो आती है या जितनी भी रील्स आती हैं वो आपको मिले। और ये बताइएगा मेरी रील कैसी लगी ताकि मैं और भी रील्स बनाऊँ, क्योंकि आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया है उस रील पर। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा अपने प्यार और अपने दुलार को ऐसे ही मेरे लिए बना के रखें। तो होप सो आज की बातें आपको अच्छी लगी होंगी, बहुत किसी के काम आने वाली हैं ये बातें और नॉलेजफुल लगेंगी क्या, ये चीज़ तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको कैसा लगा। और ऐसी वीडियो मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ, मैं अपने बालों के लिए एक बूस्टअप वाला एक पैक बनाने वाली हूँ, उसकी रेसिपी शेयर करूं या नहीं करूं आप लोग बताइएगा। और आपको क्या क्या आपकी डिमांड्स है इस चैनल से तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं उन पे भी वीडियो बनाऊंगी। बस अपने प्यार दुलार को ऐसे ही बना के रखिएगा गाइस प्लीज़। और रही बात हाँ, जब मेरे पति के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है तो उसके रिलेटिव्स के साथ तो कोई कभी रिलेशन था ही नहीं, क्योंकि मेरी सासू माँ खुद अपने रिलेशन्स को नहीं मानती, तो मेरा तो बहुत छोटी सी बात है, ठीक है, जब मेरी सासू माँ ही रिलेशन्स को नहीं मानती हैं। और दूसरी बात, अगर किसी ने मेरे मान सम्मान को ठेस पहुँचाने की कोशिश करी, वो भले चाहे कोई और हो, चाहे मेरे रिलेटिव हो, चाहे खुद मेरा हस्बैंड क्यों ना हो, मैं एक्शन लूँगी बस। और दूसरे लोगों पे कोई धमकियाँ ना दे के रेखा ये करवा देगी तुम, उसके लिए बोल रहा, मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोल रही सोशल मीडिया पे, जिसको जो बोलना है वो फ्री है, मतलब मेरी साइड से बोलो, जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ मेरे जो इज्जत है, मेरा जो स्वाभिमान है उसका पतन हो रहा है, मैं वहाँ पे एक्शन लूँगी। ये बात हमेशा है, क्योंकि जब मैं अकेले इन सारी चीज़ों से लड़ रही हूँ तो यूट्यूब की दुनिया से भी मैं फ़ाइट कर सकती हूँ। लव यू ऑल ऑफ़ यू, हमेशा मेरे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए।